एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। 10वीं और 12वीं की छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने किया ऐलान, किस बार होंगे 10वीं और 12वीं के सभी छात्र पास। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको लाइव सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो में तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से बोर्ड से हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है 3 मई तक रहेगा पूरा देश लॉकडाउन, उसके बाद आगे डेट बढ़ सकती है, जिसके कारण यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने लिया फैसला कि 10वीं और 12वीं के जितने भी छात्रों की जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसी के बेस पर किया जाएगा उनको पास। इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया यहाँ पे कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के बचे हुए एग्जाम नहीं होंगे, उनको इसी तरीके से जो एग्जाम हो चुके हैं उसी के बेस पर कर दिया जाएगा यहाँ पे पास। एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि आप लोगों के जो एग्जाम हुए हैं उसी के बेस पर पास कर दिया जाएगा और आपके अभी एग्जाम नहीं होंगे। ये इन्होंने ऑफिशियल अपडेट दिया, आप इनकी साइट पर जाकर भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है क्योंकि आपके इस बार एग्ज़ाम नहीं होंगे। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो अच्छा लगे आप वीडियो को जरूर कमेंट करके और लाइक करके बता देना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं रोजाना इसी तरीके के बेहतरीन अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।